आज हम कैफे में मिलती है ऐसी चीज़ कॉर्न सैंडविच घर पर किस तरह से बनाई जाती है उसकी रेसिपी देखेंगे। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मैं हूं हेतल, मेरे किचन में आपका स्वागत है। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर एक कप उबले हुए मक्के के दाने लेंगे। यहाँ पर मैंने अमेरिकन मकई ली है, आप चाहे तो देशी वाले भी ले सकते हैं। एक मीडियम साइज का कैप्सिकम लिया है जिसे मैंने बहुत ही बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज लेंगे और उसे भी बारीक टुकड़ों में कट करके इसके अंदर डालेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो बिना प्याज डाले भी ये सैंडविच बना सकते हैं, प्याज को आप स्किप कर दें। अब इसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच हरे धनिया की चटनी डालेंगे। ये चटनी मैंने तीखी बनाई है। अगर आपको और ज़्यादा स्पाइसी सैंडविच चाहिए तो आप हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे हम, इसके अंदर चीज़ भी डालने वाले हैं तो नमक थोड़ा ध्यान से डालें। 2 बड़ा चम्मच इसके अंदर हम मेयोनीज डालेंगे। मेयोनीज डालने से हमारे स्टफिंग में बहुत ही अच्छा बाइंडिंग आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 कप चीज़ लिया है, आप चीज़ अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीज़ में नमक होता है तो नमक आप सावधानी से डालें। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ डाल रहे हैं तो नमक बहुत ही कम मात्रा में डालें या फिर ना डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, लेकिन इसे हल्के हाथों से मिक्स करें। हरी चटनी किस तरह से बनाई जाती है वो मैंने आपको चैनल पे दिखाया है और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर अभी नहीं डाला है। हमारा स्टफिंग तैयार है। अब हम ब्रेड की 2 स्लाइस इस तरह से रखेंगे और 1 स्लाइस के ऊपर हम चटनी लगाएंगे। ये ब्रेड भी किस तरह से घर पर बनाते हैं वो मैंने आपको चैनल पे दिखाया है और उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ये मेरी होममेड ब्रेड है। चटनी लगाने के बाद हमने जो स्टफिंग तैयार किया है वो इसके ऊपर हम रखेंगे। चारों ओर स्टफिंग को हम अच्छी तरह से फैला देंगे। अच्छी तरह से स्टफिंग लगाने के बाद 2 स्लाइस उसके ऊपर हम रख देंगे और उसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। आज ये सैंडविच हम नॉनस्टिक के ऊपर बनाएंगे, तो नॉनस्टिक को हम गरम करेंगे और उसके अंदर 1 चम्मच बटर डालेंगे। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सैंडविच मेकर है तो आप उसमें भी ये सैंडविच बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे नॉनस्टिक पे बना रही हूँ। गैस की फ्लेम को हम मीडियम और स्लो के बीच में रखेंगे और ऊपर की साइड भी बटर लगा देंगे। आप चाहे तो बटर के बदले में घर की जो फ्रेश मलाई होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो जाए। ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम आप ज़्यादा ना रखें, नहीं तो ये जल जाएगी और ब्रेड क्रिस्पी नहीं बनेगी। 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे। पलटने के लिए आप इस तरह का जो बड़ा स्पैचुला आता है उसका इस्तेमाल करें। दूसरी ओर भी इसे हम अच्छी तरह से सीख लेंगे, उसमें भी हमें 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। अभी मैं ऊपर की साइड भी और थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमारी सैंडविच बनकर तैयार है, तो इस तरह से हम बाकी की सैंडविच भी तैयार कर लेंगे। सैंडविच को अब हम कट करेंगे, लेकिन सैंडविच कट करने से पहले उसे आप 1 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने दें। अब इस तरह का जो पिज़्ज़ा कटर आता है उससे कट कर ले। आपके पास ये नहीं है तो आप चाकू से भी उसे कट कर सकते हैं। ये सैंडविच दिखने में जितनी अच्छी लगती है उससे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो सैंडविच की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर से शेयर करें। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक मज़ेदार रेसिपी के साथ।